गर्मियां आते ही सबों का आइसक्रीम खाने का मन होने लगता है, पर अगर आइसक्रीम घर पर बनाई जाए तो, है ना इंटरेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सुपर टेस्टी वनीला आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से घर पर बनाई जा सकती है। तो चलिए इस आसान और स्वादिष्ट वनीला आइसक्रीम को बनाना शुरू करते हैं। घर पर वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए 1 लीटर फुल क्रीम दूध को उबलने के लिए रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए इसमें अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। तो आइसक्रीम के लिए फुल फैट मिल्क का ही यूज करें। जितना ज्यादा फैट कंटेंट होगा आइसक्रीम उतना ही ज्यादा क्रीमी बन के तैयार होगा। तो दूध में उबाल आने लगा है, अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 6 से 7 मिनट तक इसी तरह चलाते हुए उबालेंगे, जिससे कि दूध थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच ठंडा दूध लिया है और इसमें 3 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। कस्टर्ड पाउडर बहुत ही आसानी से किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पर मिल जाता है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मेक श्योर कि कोई लम्प्स ना बने। कस्टर्ड का घोल हमने रेडी कर लिया है और इधर दूध भी हमारा अच्छी तरह से बॉयल होकर गाढ़ा हो गया है। तो अब इसमें हम 1 कप या 200 ग्राम्स चीनी ऐड करेंगे। इतनी चीनी इतने आइसक्रीम के लिए परफेक्ट होती है। अगर आप ज़्यादा कम चीनी ऐड करेंगे तो फिर आइसक्रीम सही से जम नहीं पाती है, तो इसलिए मिनिमम इतना चीनी आप ज़रूर यूज़ करें। और चीनी को दूध में अच्छी तरह से घुलने देंगे। चीनी दूध में अच्छी तरह से घुल गया है तो अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और हमने जो कस्टर्ड पाउडर का घोल तैयार किया था उसे धीरे धीरे करके दूध में डालते जाएंगे और स्पैचुला से उसे मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर गर्म दूध में डालते ही उसमें लम्प्स फॉर्म होने लगते हैं, इसलिए बहुत तेजी से आपको ये काम करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कस्टर्ड का घोल दूध में मिक्स हो गया है और कोई लम्प्स भी नहीं बना है। और अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूस चलाते हुए इसमें एक हल्का सा उबाल आने तक इसे पकाएंगे। तो इस समय इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ें और कंटिन्यूस चलाते रहें। कस्टर्ड डालते ही दूध गाढ़ा होने लगता है और यह नीचे से लगने भी लगता है, तो इसका खास ध्यान रखें और इसी तरह स्पैचुला से स्क्रैब करते रहें। तो अब दूध हमारा लगभग उबलने ही वाला है और यह काफी थिक भी हो गया है, तो बस अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। कस्टर्ड हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और इसके ऊपर मलाई की एक लेयर भी आ गई है, तो स्पैचुला से इसे हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ मैंने 1/2 कप ताजी मलाई ली है। मैं यहाँ घर की मलाई यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो 1/2 कप ही फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो क्रीम या मलाई डालने से आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और सॉफ्ट आता है, बिल्कुल मार्केट वाले आइसक्रीम की तरह। मलाई को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फ्लेवर के लिए 1 चम्मच वनीला एसेंस ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो आइसक्रीम का घोल अब हमारा जमने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो अब इसे हम एक कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे। आप इसे किसी भी कंटेनर या मोल्ड में जमा सकते हैं। और ढक्कन बंद करके इसे हम फ्रीजर में 2 घंटे के लिए जमने देंगे। 2 घंटे बाद मैंने इसे फ्रीजर से निकाल लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं आइसक्रीम हमारा काफी हद तक जमने लगा है।
तो इस समय एक ग्राइंडिंग जार लेकर और उसमें इस आइसक्रीम के मिक्सचर को हम ट्रांसफर कर लेंगे और ढक्कन बंद करके इसे बस 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेंगे। इससे आइसक्रीम का मिक्सचर काफी फ्लफी हो जाता है और उसमें एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, जिससे कि आइसक्रीम काफी क्रीमी जम के तैयार हो जाता है। और कई बार आइसक्रीम बनाते समय उसमें आइस की लेयर जो जम जाती है वो भी नहीं होता है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। और अब यहाँ मैंने बटर पेपर लिया है, इसकी जगह आप एल्युमिनियम फॉयल या फिर कोई भी प्लास्टिक की सीट ले सकते हैं और इसे आइसक्रीम के सरफेस अच्छी तरह से लगा दें। मैंने बटर पेपर को आइसक्रीम के सरफेस पे अच्छे से सेट कर दिया है और ऊपर से अब अच्छी तरह से इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे फ्रीजर में मिनिमम 7 से 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट फ्रीज होने के लिए रख देंगे। ओवरनाइट जमाने के बाद मैंने फ्रीजर से आइसक्रीम निकाल ली है और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से आइसक्रीम सेट हुई है, तो लग रहा है ना मार्केट स्टाइल वनीला आइसक्रीम। तो चलिए अब मैं आपको इसे स्कूप आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज्यादा क्रीमी टेक्सचर वाला आइसक्रीम बनके तैयार हुआ है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी से स्कूप आउट भी हो रहा है और बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमी है इसके ऊपर। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है और आसानी से आप घर पर वनीला आइसक्रीम बना सकते हैं। और हमने इसे घर पर बनाया है तो ये काफी हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें किसी भी तरह का केमिकल या प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं किया है। ऊपर से इसे थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डालकर सर्व करें तो ये खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो एक बार इस आसान सी वनीला आइसक्रीम रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। मिलती हूँ बहुत ही जल्द इसी तरह की नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।